Good morning, my dear students. Let us welcome this new beautiful sunrise with a beautiful smile. And let us also thank God for everything by reciting this prayer. Children, today also we are going to learn tenses. But today we are going to learn simple past tense and its use in the sentences. What is simple past tense kya hota hai? Simple past tense means the action which has already been completed in the past. Ki jo humne past mein kaam kiya aur wo complete ho gaya. Right? For example, children, we walked on the road. यानी हम road पर चले थे. Past tense. ये action complete हो चुका है. I ate fruit yesterday. कल मैंने fruit खाया था. यानी already मैं fruit खा चुका हूँ. So beta, here walked, ate. These are past tense. ठीक है बेटा, प्रेजेंट में हम क्या बोलेंगे? वॉक. और पास्ट में वॉक्ड. प्रेजेंट में हम क्या कहेंगे? ईट. और पास्ट में एट. अब बेटा, सिंपल पास्ट टेंस हम कैसे बनाते हैं? सिंपल पास्ट टेंस जनरली वर्ब की जो सेकंड फॉर्म होती है दैट इज सिंपल पास्ट टेंस में यूज करते हैं. अक्सर हम क्या करते हैं, हम जो मेन वर्ब के साथ ईडी ऐड करके प्रेजेंट टेंस को पास्ट में कन्वर्ट करते. देखो कैसे. प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म क्या बन जाएगी? ईडी ऐड कर दिया हमने. प्ले वॉटर, वॉटर यहां पर नाउन नहीं है बेटा, पानी देना, पौधों को पानी देना. वॉटर के साथ हम क्या ऐड करेंगे? ईडी ऐड कर देंगे. तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म V2, V1, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म यानी कि पास्ट फॉर्म बन जाएगी. आई वॉटर द प्लांट्स, मैंने पौधों को पानी दिया था. अगर हम कहते हैं आई वॉटर द प्लांट्स डेली, मैं रोज पौधों को पानी देती हूँ, तो दैट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस. लेकिन अगर मैं कहती हूँ आई वॉटर द प्लांट्स यानी मैंने पौधों को पानी दिया था, वो एक्शन कंप्लीट हो गया. ठीक है, क्लाइंब. क्लाइंब की पास्ट फॉर्म कैसे बनेगी? क्लाइंड. राइट, तो जनरली मैं ये नहीं कह रही हूं हमेशा, जनरली बेटा हम ईडी ऐड करके मेन वर्ब में अगर हम ईडी ऐड करते हैं तो दैट बिकम्स सिंपल पास्ट टेंस. बट
ईडी वाला कंसेप्ट हर जगह ऐड नहीं होता है बेटा, हर जगह ट्रू नहीं होता है, कुछ जगह पर हमें कुछ और चेंजेस करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैरी, बेटा देखिए लास्ट में वाई है और वाई से पहले आर एक कॉन्सोनेंट है, तो हम यहाँ सिर्फ ईडी ऐड नहीं करेंगे, हम आई की वाई की जगह पर आई को ऐड करेंगे। हमने पास्ट टेंस के लिए ईडी ऐड किया, लेकिन वाई की जगह पर क्या ऐड किया हमने, आई कैरिड, आई कैरिड द बॉक्स टू द मार्केट, मैंने बॉक्स जो है मार्केट तक कैरी किया था, पास्ट टेंस। मैरिड, एम ए डबल आर वाई है, वाई से पहले आर कॉन्सोनेंट है, तो वाई की जगह पर क्या आ जाएगा, आई एंड देन ऐड ईडी, married, so this is the past tense. Past tense children, there are some verbs, rub, r u b, rub, देखिए बेटा last में consonant है, उससे पहले vowel है, तो हम क्या करेंगे, हम last वाले consonant को double करके then we will add ed, rubbed, देखिए b, double b, ed, rubbed. The girl rubbed her arm. ठीक है, beg, b e g, देखिए g से पहले e vowel है, तो we will double the letter g and then we will add ed. The beggar begged the alms, यानी भिखारी ने पैसे मांगे थे, ठीक है, so beg. बेटा, there are some verbs. Irregular verbs whose spellings are changed. बेटा उसमें ed हम add नहीं करते या ied add नहीं करते, बल्कि उनकी spelling change करते, जैसे teach, taught, fight, fought, buy, bought, my father buys toys for me, मेरे father मेरे लिए toys खरीदते हैं, my father bought toys for me, यानी मेरे father मेरे लिए toys खरीद कर लाए थे, से सेड, बेटा से है, देखिए इसमें हम ई डी नहीं लगाएंगे या आई ई डी नहीं लगाएंगे, बल्कि लिखेंगे एस ए आई डी, टेल टोल्ड, फॉल फेल, राइट चिल्ड्रन, यू हैव टू लर्न दीज वर्ब्स। बेटा देर आर फ्यू वर्ड्स विच डू नॉट चेंज एट ऑल, यानी प्रेजेंट में भी वो वही रहते हैं और पास्ट में भी वही रहते हैं, हिट hit, cut, cut, shut, shut, hurt, hurt, put, put, यानी बेटा the batsman hits the ball, यानी batsman ने ball को hit किया, ठीक है, yesterday the batsman hit the ball very hard, कल batsman ने बहुत जोर से ball को मारा था, past tense, दोनों में देखो बेटा hit ही हम verb use कर रहे हैं। Let us see how much we have understood. Let us solve the worksheet. Children, in worksheet number 5, you are to write the simple past tense of the following verbs. देखिए बेटा यहाँ पर verbs given है और यहाँ पर आपको simple past tense लिखना है. See, the first verb is stand. बेटा stand का past tense होता है stood, S-T-O-O-D, stood, jump, jump का past tense होता है jumped, now look for the third one, walk, walk का past tense होता है walked, cry, देखिए बेटा y है, y की जगह हम क्या use करेंगे past tense में, I-E-D, तो क्या बन जाएगा past tense, cried, so children rest you will try. In worksheet number 6, beta, Candy the Cola is back with another form of tense. He wants you to fill in the blanks with the simple past tense of the verbs given in the brackets. So let us find out the past tense of the verbs. And what you have to do over here, you have to fill in the blanks with the simple past tense. बेटा सिंपल पास्ट टेंस फिल करना है, लेकिन अभी तक हम
three tenses learn kar chuke. Simple present tense, present continuous tense and simple past tense. बेटा मैं आपको तीनों टेंसेस यहाँ पर फिल करके दिखाऊंगी और आपने ऐसे ही रफ नोटबुक में प्रैक्टिस करनी है कि इन एवरी सेंटेंस यू विल फिल ऑल द थ्री टेंसेस. ठीक है बेटा. मदर डैश द डोर, मेन वर्ब क्या है? ओपन. अब मदर कितनी है? वन. मदर वन है ना. अगर सिंपल टेंस में हम क्या यूज करते हैं? मेन वर्ब यूज करते हैं, वर्ब वन यूज करते हैं और मदर कितनी है? सिंगुलर. हम वर्ब के साथ क्या लगाएंगे? एस. ओपन्स. ठीक है. अब अगर सपोज हम इसको, ये क्या बन गया? सिंपल प्रेजेंट टेंस. लेकिन अगर हमें इसको चेंज करना है प्रेजेंट कंटिन्यूअसली. ठीक है. नाउ सी हियर, मदर कितनी है? वन. सिंगुलर नाउन है. सिंगुलर नाउन का फ्रेंड कौन है? इस. मेन वर्ब क्या है? ओपन. एंड मेन वर्ब के साथ क्या ऐड करते हैं हम? आई एन जी. मदर इज ओपनिंग द डोर. अभी क्या बन गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. बेटा देखिए, हमें टेंस से पता चल रहा है कि अब कौन सा टाइम है. राइट. Now we have to change it into simple past tense. Simple past tense में हम क्या रूल है हमारा? To use verb to. Generally हम verb के साथ क्या add कर देते हैं? ED add कर देते हैं. तो let us see. Mother dashed the door. Open. Open के साथ हम क्या add कर देंगे? ED. Mother ओपन द डोर. अभी क्या बन गया? सिंपल पास्ट टेंस. बेटा ये सबसे अच्छा तरीका है टू लर्न द टेंसेस कि आप एक ही टेंसेस के अंदर यू चेंज ऑल द टेंसेस. ठीक है बेटा, सारे टेंसेस, सारे रूल्स रिवाइज हो जाते हैं. नाउ लुक एट द सेकंड सेंटेंस. स्नेहा डैश टू फिक्स द लैंप. मेन वर्ब क्या है? ट्राई. ठीक है. अब अगर हम इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं, स्नेहा कितनी है? वन. तो हम वर्ब के साथ एस या ई एस या आई ई एस एड करते हैं. अब बेटा वाई है, ट्राई है. देखिए ट्राई है, वाई से पहले आर कॉन्सोनेंट है तो हम वाई की जगह पर आई और ई एस एड कर देंगे. इट विल बिकम सिंपल प्रेजेंट टेंस. ठीक है. Now, we have to change it into present continuous tense. Suppose अगर हम इसको present continuous tense में change करते हैं तो स्नेहा कितनी है? One. Singular noun है. Singular noun का friend कौन होता है? Is. Main verb try. Add ing. स्नेहा is trying to fix the lamp. क्या बन गया? Present continuous tense. Now we have to change it into simple past tense. Simple past में कैसे change करेंगे हम इसको? Sneha dash to fix the lamp. Verb है try. Why है? Why से पहले are consonant है तो हम why की जगह I and then we will add ed. Sneha tried to fix the lamp. Right children? Now Joy dashed his dog. Verb है pat. Pat यानी हल्का सा थपथपाना. Now again अगर हम इसको करें तो Joy कितना है? One. Simple present tense में क्या हो जाएगा? Pats. ठीक है. प्रेजेंट कंटिन्यूस में अगेन जॉय कितना है? वन. सिंगुलर नाउन का फ्रेंड कौन होता है? इस. पैट. अब हम टी को क्या कर देंगे? डबल एंड एड आई एन जी. जॉय इज पैटिंग हिज डॉग. ये क्या बन गया? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कि वो अपने डॉग को पैट कर रहा है. ठीक है. नाउ अगर इसको सिंपल पास्ट टेंस में चेंज करना है तो
double किया and then we added ed. Joy patted his dog. Clear? Children, in worksheet number 7, you are to circle the correct past tense form of the verb for each of the word. Beta, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर verb 1 are given and here options are given for the past tense and we are to circle the correct past form. The first word is marry. Marry का मतलब शादी करना. ठीक है बेटा, देखिए यहाँ पे marryed. बेटा जब हम y होता है, y से पहले कॉन्सोनेंट होता है तो हम y ऐसे नहीं लिखते. तो दिस इज नॉट द करेक्ट पास्ट टेंस. सी marryed, y की जगह पर I एंड देन ed. लेट अस ऑल्सो लुक फॉर द थर्ड वन marryd. इट इज कम्प्लीटली रॉन्ग. सो करेक्ट पास्ट टेंस इज दिस वन marryed. नाउ लुक फॉर द सेकेंड वन शो. शो यानी दिखाना. शो का पास्ट टेंस showed. दिस सीम्स टू बी करेक्ट. लेट अस सी द नेक्स्ट ऑप्शंस. showyed. नो, y नहीं आएगा. showed showed. नो, इट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. सो द करेक्ट पास्ट टेंस ऑफ शो इज showed. इन दिस वे बेटा यू विल ट्राई द रेस्ट. इन वर्कशीट नंबर 8, पेनी द पेंगुइन सेज गो फ्रॉम प्रेजेंट इनटू द पास्ट. अंडरलाइन द वर्ब एंड चेंज द सेंटेंसेस इनटू द सिंपल पास्ट टेंस. बेटा यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में टेंस सेंटेंसेस हैं और आपको उनको पास्ट टेंस में चेंज करना है. द फायरमैन रेस्क्यूज क्रिश. रेस्क्यू का मतलब क्या होता है, बचाना. फायरमैन ने क्रिश को बचाया. अब यहाँ पर वर्ब क्या है, रेस्क्यूज, राइट. अब फायरमैन सिंगुलर है तो हमने वर्ब के साथ एस ऐड किया. ठीक है, तो मेन वर्ब क्या हो गया, रेस्क्यू. अगर इसको हमने पास्ट में चेंज करना है तो बेटा क्या बनेगा, रेस्क्यूड. शीना क्या कर रही है, रिमूव कर रही है, उतार रही है जूते. तो वर्ब वन क्या हो जाएगा, रिमूव. तो पास्ट टेंस में क्या हो जाएगा, रिमूव्ड. राइट चिल्ड्रन, नाउ यू विल प्रैक्टिस दीज एक्सरसाइजेस. Your homework is that you will do worksheet number 5, 6, 7 and 8 of lesson number 14 of your grammar book. Children, bye for now, but keep learning and smiling always.